आपके विचार आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, और ये बहुत बार मैं बोल चुका हूं, हम जो बनते हैं वो हमारी सोच का नतीजा होता है। हमारे विचारों में इतनी ताकत होती है कि ये हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। वैसे लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि क्या हमारे विचार, खुद के थॉट्स ही हमारे अंदर के मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब कि क्या हमारे विचार ही हमें मोटिवेट कर सकते हैं? क्या हम अपने विचारों से जो चाहे उसे पा सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी में सिर्फ सोचने से हमें पैसे मिल सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी को हम सोचकर बदल सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर इन सवालों के जवाब आपको चाहिए तो इसे ध्यान से सुनना, समझने की ट्राई करना। वैसे वीडियो पूरा देखने से दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप बहुत ज्यादा नई चीजें सीख कर जाएंगे अगर इसे खुले दिमाग से सुना तो, या तो फिर आपकी जैसी जिंदगी चल रही थी वैसी चलती जाएगी। लेकिन ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी में या फिर आपके विचारों में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जो भी बातें आपको मैं बताने वाला हूं उसे खुद से रिलेट करके देखना और ध्यान से सुनना। आपके विचार विश्व बदलने की ताकत रखते हैं। क्या आप खुद से बात करते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद से ही बात कर रहे हो, या फिर पूरे दिन में खुद के लिए ऐसा वक्त निकालते हैं जिसमें आप अपने विचारों पर गौर करते हो, फोकस करते हो? आपके दिमाग में जैसे विचार चलते हैं आप खुद को वैसे ही ढालने लग जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान से सोचना कि आपके दिमाग में जैसे विचार चलते हैं वैसे आप खुद को बनाने लग जाते हो। हमारे खुद के ही दिमाग की थ्योरी को समझना होगा। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं और इन हजारों थॉट्स का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने माइंड में चल रहे थॉट्स के लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं और उस पर फोकस करते हैं, गौर करते हैं। मैं जब छोटा था तो बहुत ही जिद्दी था और मेरे अंदर बहुत ही चिड़चिड़ापन भरा था। मैं बात बात पर चिल्लाने लग जाता या तो फिर चिढ़ जाता था। लेकिन जब से मैंने खुद से बात करना सीखा है, चाहे मैं अपनी कमजोरियों को लेकर या अपनी खूबियों को लेकर, तब से मैंने अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस पाए हैं, बहुत ज्यादा बदलाव पाए हैं। मैं अकेले में खुद से बात करता हूँ, अपने माइंड में चल रहे सारे थॉट्स को समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन्हीं विचारों के कारण मैं खुद को वो बना पाता हूँ जो मैं एक्चुअल में हूँ। मतलब हम सचमुच वही बनते जाते हैं जो हम सोचते हैं। जस्ट थिंक अबाउट कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके माइंड में जैसे थॉट्स आने लगेंगे पॉजिटिव, तो अभी आप खुद को पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर दोगे, एंड उसके बाद आप अपने आप को पूरे दिन वैसा बनाने की ट्राई करोगे। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, मोटिवेशनल बुक पढ़ लो, तो उस कैरेक्टर में आप घुसने की ट्राई करोगे और वैसा बनने की ट्राई करोगे, लेकिन ये आप पूरे टाइम नहीं बन पाओगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपस्टॉक के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए अपस्टॉक बहुत ही काम की ऐप है। इसमें आप फ्री डीमैट अकाउंट बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए दूसरी कंपनी जहां पर 500 से 600 रुपए चार्ज करती है, तो उसी के सामने अपस्टॉक में आप फ्री में डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अपस्टॉक की वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन में जाकर ईमेल और फोन नंबर वेरीफाइड करना है और पैन कार्ड को अपलोड करके सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है और बन गया फ्री में आपका डीमैट अकाउंट। और इसके साथ साथ अपस्टॉक में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अकाउंट ओपन करने पर 300 रुपीज फ्लिपकार्ट वाउचर फर्स्ट ट्रेड विद इन 7 डेज आपको मिल रहा है, और अगर सारे बेनिफिट को देखें तो आपको 28,000 तक का टोटल बेनिफिट मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि श्रीमान रतन टाटा ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, दैट मींस ये काफी ट्रस्टेड ऐप है और साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर भी हाई रेटेड ऐप है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपस्टॉक से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी सारे पहले मैंने बेनिफिट्स बताए उसको पाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए प्रोमो कोड को जरूर यूज करें। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि न्यू चीजें ट्राई करने वाले को सब कुछ मिल सकता है और वो बहुत कुछ सीख भी सकता है, और जो लोग ट्राई नहीं करते उनके हाथ खाली रह जाते हैं।
कैरेक्टर में आप घुसने की ट्राई करोगे और वैसा बनने की ट्राई करोगे, लेकिन ये आप पूरे टाइम नहीं बन पाओगे बिकॉज कि आपने उतना उस चीज पर फोकस नहीं किया। वैसे हमारे विचार हमें ताकत देते हैं। जब आप दूसरों के विचार पढ़ते हैं, जो लोग सफल हैं उनके, तब आप खुद को मोटिवेट महसूस करते हैं। तब आप खुद सोचिए कि आपके खुद के विचार कितने पावरफुल हो सकते हैं। दूसरों के विचार पढ़कर या फिर सुनकर, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनकर आप खुद को कितना मोटिवेट कर लेते हो, तो सोचो कि आपके अंदर कितनी एनर्जी होगी, कितना ज्यादा नॉलेज होगा जो सिर्फ और सिर्फ किसी के एक लाइन से आप खुद के अंदर मोटिवेशन या फिर एनर्जी महसूस करते हो। मतलब कि ये सारे विचार जो आपके अंदर जाते हैं किसी और के बोलने पर, दैट मीन्स कि आपके अंदर पहले से उस चीज की चिंगारी लगी हुई थी। मतलब कि वो आपके ही विचार है जो आपको और बेहतर बना सकते हैं। वैसे दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरों के विचार आपको थोड़े समय के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपके खुद के विचार आपको जिंदगी भर के लिए प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे। कभी भी ऐसे शब्दों का चुनाव मत करना जो आपको कमजोर बनाए। मोटिवेशनल कंटेंट के संपर्क में आने से, मतलब चाहे हम कोई भी ब्लॉग पढ़े या कोई सक्सेस रिलेटेड वीडियो देखें, उससे हमारे अंदर भी कुछ करने की आग पैदा हो जाती है और हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं या हमारे अंदर ऐसे ही विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे विचार ही है जो हमारे अंदर उत्साह पैदा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला, आपके अंदर पहले से उस चीज की चिंगारी लग चुकी थी। अगर आप कुछ अच्छा देखने, पढ़ने या सुनने के बाद भी हम उसे अपने विचारों में शामिल नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे और उन विचारों पर एक्शन नहीं लेंगे, तो आप जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना या फिर जो कुछ भी पढ़ा, वो सारी चीजें बेकार हो जाएगी। चाहे आप कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, कितना भी अच्छा यूट्यूब का वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, अगर आप उसको समझोगे नहीं, अच्छे से सुनोगे नहीं, अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो वो सारी चीजें बेकार चली जाएगी। आपके विचार ही है जो आपको सफलता दिला सकते हैं और यही आपको असफल भी बना सकते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर गौर करो, उस पर फोकस करो। आप जैसा सोचते हैं यही डिसाइड करेगा कि आप कैसे इंसान बनोगे। और वैसे भी एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के सामने आप जैसे रहते हो ना, वैसे आप सच में इंसान नहीं होते। आप जब अकेले होते हो तब क्या करते हो, वो होता है एक रियल इंसान। आप खुद सोचो कि आप अकेले होते हो तब क्या करते हो। अगर आप सफलता का रास्ता ढूंढते हो तो आप सच में सफल बनोगे, और कुछ फालतू की चीजें करते हो तो आप फालतू के इंसान रहोगे। आपके विचार आपको खुशी भी दे सकते हैं और वही विचार आपको दुखी भी कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने विचारों को समझने का प्रयास करें, थोड़ी सी ट्राई करें। खुद को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालो। उन थॉट्स पर गौर करने की ट्राई जरूर करो जो आपको कामयाबी की सीढ़ी तक ले जा सकता है। ऐसे थॉट्स को छोड़ दो जो आपको पीछे धकेलते हैं, क्योंकि सचमुच मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स आपके अपने विचारों में है। आपके अंदर ही आपका मोटिवेशन का सोर्स है, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वही सारी चीजें बदल कर रख देगा। बस आपको अपने थॉट्स पर गौर करने की जरूरत है, और मैं गारंटी देता हूं जिस दिन आपने अपने थॉट्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता और आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। और एक बात याद रखना, तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई भी नहीं। बेस्ट ऑफ लक, सारे सपने पूरे करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक, क्या पता है आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में ये जरूर लिखना कि आज आपने क्या सीखा। एंड दिस इज नीरज पटेल, स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।